बाजी प्रभु देश पांडे 1615 से लेके 1660 राजे शिवाजी के सेना में एक नामी वीर थे। मराठों के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था तथा ये एक वीर मराठा योद्धा थे। इनकी वीरता से प्रभावित होकर राजे शिवाजी ने इन्हें अपनी सेना में अहम स्थान दिया था। बाजी प्रभु देशपांडे ने मुगल सेना से युद्ध करते वक्त अपनी वीरता का परिचय देते हुए मुगल सेना के 100 से भी अधिक खूंखार सैनिकों से अकेले युद्ध किया तथा सभी को मौत के घाट उतार दिया। इनकी वीरता और कौशल का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी अकेला सैनिक इनसे युद्ध करने का साहस नहीं करता था। बाजी प्रभु के पिता हिरडस मावल देश के कुलकर्णी थे। बाजी की वीरता को देखकर राजे शिवाजी ने उनको अपनी युद्ध सेना में उच्च पद पर रखा। ईस्वी सन 1648 1648 से 1649 तक उन्होंने राजे शिवाजी के साथ रहकर पुरंदर, कोंडाना और राजापुर के किले जीतने में राजे शिवाजी की भरकस मदद की। बाजी प्रभु ने रोहिड़ा किले को मजबूत किया और आसपास के किलों को भी मजबूत किया। इससे वीर बाजी को मावलों का ज़बरदस्त कार्यकर्ता समझा जाने लगा। इस प्रांत में उनका प्रभुत्व और बढ़ गया और लोग उनका सम्मान करने लगे। ईस्वी सन 1655 1655 में जावली के मोर्चे में और इसके बाद दो वर्षों में मावलों के किले को जीतने में तथा किलों की मरम्मत करने में बाजी प्रभु देशपांडे ने खूब परिश्रम किया। ईस्वी सन 1659 1659 के नवंबर की 10 तारीख को अफजल खान की मृत्यु के पश्चात पार नामक वन में आदिल शाही छावनी का नाश भी बाजी देशपांडे ने बड़े कौशल से किया और स्वराज का विस्तार करने में राजे शिवाजी की सहायता की। ईस्वी सन 1660 1660 में मुगल, आदिल शाह और सिद्दीकी इत्यादि ने राजे शिवाजी को चारों तरफ से घेरने का प्रयत्न किया। पन्हाला किला से निकलना राजे शिवाजी के लिए बड़ा कठिन हो गया। इस समय बाजी प्रभु ने उनकी सहायता की। राजे शिवाजी को आधी सेना देकर स्वयं बाजी घोड़ की घाटी के दरवाजे में डटे रहे। 3-4 घंटों तक घनघोर युद्ध हुआ। बाजी प्रभु ने बड़ी वीरता दिखाई। उनके बड़े भाई फुलाजी इस युद्ध में मारे गए। बहुत सी सेना भी मारी गई। घायल होकर भी बाजी अपनी सेना को प्रोत्साहित करते रहे। जब राजे शिवाजी रोगना पहुँचे तो उन्होंने तोप की आवाज़ से बाजी प्रभु को गढ़ में अपने सकुशल प्रवेश की सूचना दी। तोप की आवाज़ सुनकर स्वामी के कर्तव्य को पूरा करने के साथ 14 जुलाई 1660 ईस्वी को इस महान वीर ने मृत्यु की गोद में सदा के लिए शरण ली।